एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सीजी ब्लॉगर सिंपली नहीं असल लाइफस्टाइल के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो है कल गणेश चतुर्थी, बाबलों का भी आने वाले हैं और माही का भी बर्थडे है। तो माही के लिए तो वैसे सब शॉपिंग हो गया है, आपको थोड़ा बहुत तो दिखाई दिया मैंने। और अभी मैं जा रही हूँ मूर्ति लेने के लिए, मैं और छोटू और माही जा रहे हैं। अभी तक उन लोग आए नहीं हैं, तो उन लोगों के आते आते तक तो हो सकता है कि मूर्ति मिले ना मिले, इसलिए अभी मुझे जाना पड़ेगा। आ रही हूँ, गाड़ी के चाबी वहीं रखा हुआ है। तो हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम लोग गणेश जी लेने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर मार्केट में, दिखाते हैं आपको कि अभी तो वैसे बहुत भीड़ है ना मार्केट में, बहुत भीड़, बहुत भीड़। दादी पैसा दे रही हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है अभी मार्केट में। आज तीजा भी है, और आज तीजा भी है इस कारण, और बहुत ज्यादा भीड़ है मार्केट में। तो चलिए देखते हैं, जहां तक हो पाता मैं आपको दिखाती हूँ, आपको शेयर करती हूँ। कहीं भी जाओ, बिल्लो रानी यहाँ बैठे रहती है हमारी, आपकी हमारी माही के साथ बहुत अच्छा खेलती है। छाता रख लो भाई, छाता, कहीं माही ना भीग जाए। कहाँ जा रही बुनू? वो बुलेट वाला, मेरा तो मास्क लगाने से ही इतना ज्यादा इसमें भर जाता है, पूरा दुनिया दिखता नहीं है। बैठूंगी, बैठना है मुझे। ये लो, इसको भी रख लो अंदर। माही, हम लोग गनू भैया लेने जा रहे हैं। क्यूट है ना डॉल, बहुत सुंदर लग रहा था ऐसे, बट ना इसका मटेरियल थोड़ा अच्छा नहीं था। वैसे दिख बहुत सुंदर रहा था, दूर से ही अच्छा दिख रहा था, और सामने से मतलब मटेरियल जो है ना उसका उतना खास नहीं था। तो मार्केट तो हम लोग पहुंच गए थे, और इतना ज़्यादा भीड़ था मार्केट में। मतलब पिछले साल कितने सारे गाइडलाइंस के साथ सारा पूजा जो हमने वो अटेंड किया था, चाहे वो गणपति जी हो की पूजा हो या फिर दुर्गा पूजा हो, बट इस बार तो मतलब सब कुछ खुला ही था। बट मास्क तो ज़रूरी है, बट इस बार तो खुला ही था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देख के माही बड़ी खुश हो रही थी देख के सब कुछ। मूर्ति हम लोग ले चुके थे, मूर्ति लेने के बाद हम लोग घर में रख के उसके बाद फिर से मैं और छोटू और माही फिर हम लोग मार्केट आए। और एक्चुअली लेना था हम लोग को माही के लिए थोड़ा सैंडल लेना था, और माही का गिफ्ट लेना था बर्थडे गिफ्ट जो मम्मी देने वाली थी उसको। तो मम्मी मेरे को बोली थी कि तुम मतलब माही को जो पसंद है वो ले लेगी माही। तो माही पिंक कलर का साइकिल बोल रही थी, बट हमारे पास साइकिल ऑलरेडी है तो वो मैंने नहीं लिया है। और आजकल ना उसको जो भी चाहिए सब पिंक चाहिए थी, वो सैंडल भी, ये जो सैंडल पहनी हुई है
ये हम लोग शॉप में मतलब अभी न्यू ही लिए थे तो उसको पिंक चाहिए था, इसलिए वो पिंक वाला सैंडी और उसको पहनी। और ये देखिए यहाँ पे अचानक से हम लोग जब भी से नीचे उतर रहे थे, अचानक से सारे गिफ्ट मतलब जो भी वहाँ पे खिलौने रखे थे वो सारा अचानक से नीचे गिर गया। तो इतना डर गए थे हम लोग कि मतलब भैया पता नहीं क्या बोलेंगे। तो बस माही की मस्ती चलते रहती है हर जगह। और आप लोग क्या क्या किए गणेश चतुर्थी में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसका है ये, किसका है तुम्हारा, और ये वाला किसका? और दादा भाई को नहीं दोगी? क्यों दादा भाई को नहीं दोगी? क्या देखो ना मोबाइल में पानी गिर रहा है, मोबाइल में देखो ना पानी गिर रहा है, घर के अंदर पानी गिरता है। अरे यार बैक कैमरा में नाइट स्केप नहीं होता है, फ्रंट कैमरा में नहीं होता होगा। तो मार्केट से आ गए हैं, हमने एक मूर्ति ले ली है भगवान जी की, और माही का कल बर्थडे भी है, मीन्स जिस दिन गणेश चतुर्थी उस दिन माही का बर्थडे भी है। तो उतना कुछ खास कुछ करना नहीं है हम लोग को, क्योंकि घर में पूजा है तो मतलब वैसे तो बर्थडे में कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही है। तो अब हम लोग बंगाली हैं तो हम लोग में तो बनता ही, आप लोग को सबको पता ही होगा। तो इस बार चतुर्थी है, गणेश जी की स्थापना भी होगी, तो बहुत अच्छा दिन पड़ गया ना माही का बर्थडे में कि गणेश जी की पूजा भी हो जाएगी उस दिन। गनु भैया की उसी दिन भी बड़ी खुश थी, बड़ी खुश थी वो, मतलब गनु भैया जी को देख के, गनु भैया ही बोलती है वो भी मेरे से सीखी है, तो बड़ी खुश हो जा रही थी देख देख के कि मम्मा ये कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। वो लोग को किसी भी कर रही थी बड़े प्यार से, बड़ा मतलब दूसरे लोग जो देख रहे थे उन लोगों को भी बड़ा मजा आ रहा था। तो वैसे तो कुछ स्पेशल मतलब देखते हैं, अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, किसी को वैसे किसी को इनवाइट नहीं किए हैं क्योंकि आज मतलब आज तीजा है, तो हैप्पी तीज सभी लेडीज को, मतलब सभी सुहागिने हैं जिनको उनको हैप्पी तीज। हमारे में तो ये सब होता नहीं है, तो देखते हैं कल क्या होता है। वैसे आज आने वाले थे लोग बट आए ही नहीं, हनी भी नहीं आ पाया, उसके लिए थोड़ा सा वो लग रहा है कि वो बड़ा खुश हो रहा था कि मतलब आऊँगा कर रहा था बट आ नहीं पाया। खैर, और माही दिन में सोई नहीं थी, वो अभी सो गई है। तो डेकोरेट का सामान हम लोग थोड़ा सा ही लेके आए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए हैं। कल जब ये आ जाएंगे मॉर्निंग में तो छोटू के साथ, मतलब छोटू और ये दोनों जन जाएंगे, मेरे हस्बैंड और छोटू जाएंगे। वैसे तो सारा मतलब ऑलमोस्ट कैसे मतलब भगवान जी लेके आए हैं और थोड़ा बहुत ही डेकोरेट का सामान लेके आए हैं। और माही के लिए क्राउन लिया है मैंने, वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। और अभी वैसे तो खाना बनाने वाली थी कुछ, लेकिन अब वो लोग जब बता दिए फ़ोन करके, मतलब कॉल आया था अभी मम्मी का कि नहीं आ पाएंगे, मतलब एक्चुअली लेट हो गया मेरे ही हस्बैंड को, इनको ऑफिस में लेट हो गया है, अभी भी घर नहीं गए हैं, तो कल ही निकलेंगे मॉर्निंग में। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर कोरमा, तो बहुत सिंपल सा रेसिपी है, पनीर रखे हुए हैं बहुत सारे, मतलब अभी भी लेके आई हूँ मैं आधा किलो पनीर लेके आई हूँ कि वो लोग आएंगे तो कुछ बनाती, बट अभी कॉल किए थे कि नहीं आएंगे। तो अभी मैं पानी गर्म करने दी हूँ, एक्चुअली दादी को थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है तो उनको हॉट वाटर में मैं मतलब अभी पानी डाल के दूँगी। बहुत सारा काम है, वो वाला रूम को पूरा मेरे को ठीक करना है क्योंकि जो कपड़े धुले हुए थे वो सूखे नहीं थे कुछ, तो उनको दूसरे रूम में सुखाई थी तो फिर वो वहाँ पे रखा है। तो चलो काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ, काम करते करते ही बात करती हूँ आपसे, नहीं तो ब्लॉग इतना बड़ा हो जाता है। एक पनीर की सिंपल सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, वैसे तो रेस्टोरेंट में शायद पनीर कोरमा उसको बोला जाता है, तो देखते हैं ट्राई करके कैसा बनता है। उसके लिए मैंने जो है मसाले ग्राइंड कर लिए हैं मैं मतलब इसमें है जिंजर गार्लिक अनियन एंड टमाटो का ऐसा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, और इसमें उसमें ज़्यादा प्याज नहीं है, वैसे मैंने प्याज इसमें मैं इसमें चॉप करूँगी, इसमें इसी से टेस्ट आता है, मतलब एकदम फाइनली चॉप हो जाता है इससे। चाहे इसको
रफली भी चॉप कर सकते हैं, मतलब बड़े बड़े साइज में भी प्याज कट करके ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चलिए दिखाती हूँ फटाफट से ये रेसिपी। तो बहुत सिंपल सी है ये पनीर की रेसिपी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके लिए मैंने नॉनस्टिक की कढ़ाई ली है आज और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल ऐड किया हुआ है। तो ये जब रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं लाल सूखा मिर्च आपको जितना भी चाहिए, मैं तो वैसे दो फ्राई करती हूँ, ज़ीरा और तेज़पत्ता, ये मैं ऐड करके इसको अच्छे से जब तक चटक चटक आवाज़ आती है ना तब तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने जो अनियन चॉप किए हुए थे, आप चाहे तो रफली भी कर सकते हो, मैंने वैसे फाइन चॉप किया है, फाइन चॉप करोगे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो क्या बस ये इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आपको अच्छे से अनियन को जो है वो फ्राई करना है। उसके बाद फिर जो मैंने मसाले जो मैंने रेडी किए थे, जिंजर गार्लिक और अनियन का पेस्ट, टोमेटो की प्यूरी, उसमें उसी टोमेटो उसी में ऐड कर दिया था, बस इसको ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं यानी हल्दी, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा धनिया पाउडर और मैं एज यूजुअल चीनी, थोड़ा सा शक्कर मैं इसमें ऐड करती हूँ और नमक, ये सारे मसाले जो हैं वो मैं ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लूँगी इनको जब तक इसमें से ऑयल बाहर नहीं आता है। तो जैसे ही ये मसाले थोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें जो एवरेस्ट का किचन किंग मसाला आता है वो मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं इसमें चिकन मसाला भी ऐड करूँगी, उससे और अच्छा लगता है, और थोड़ा सा शाही पनीर मसाला। ये तीनों मसाले से ही इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैंने एक टोमेटो जो है वो अलग से फिर से चॉप कर लिया है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक बने। तो टोमेटो से आप ग्रेवी थिक कर सकते हो ज़्यादा, अगर आपको वो सब मसाले नहीं चाहिए, मीन्स जिंजर गार्लिक ये सब अगर आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है तो आप टोमेटो की प्यूरी डाल के भी मसाले का जो भी है आप इसकी ग्रेवी को थिक कर सकते हैं। तो इसके बाद बस मैं अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी जब इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर जो भी जितने भी पनीर है उनको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी, या तो आप इसको हाथ से भी मैश करके, ये मैंने प्लेट में अलग से मैश करके रखा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ग्रेटर से आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। वैसे ये जो मैंने किया है अच्छे से हाथ से ही मैंने इसको मैश किया है तो उससे ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स मिक्स करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा, जब सारा कुछ मैं सब हो जाएगा इसमें, बस आप जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के थोड़ा देर इसको अच्छे से पकाइएगा बस, और क्या, ढक के पकाने के बाद जैसे आपको लगे कि आपको जितना थिक चाहिए उतना थिक हो गया है, बस आप इसको बटर और कसूरी मेथी से इसकी गार्निशिंग कर दीजिएगा। बस बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। देखिए मेरी पनीर बन गई है, कैसी बनी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पहले दिखा देती हूँ, तो ये बनी है पनीर की सब्ज़ी और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें मैं ज़्यादा तीखा नहीं ऐड की हूँ, तो इसमें मैं ज़्यादा तीखा ऐड नहीं की हूँ क्योंकि माही नहीं खा पाएगी। वैसे माही सो गई है, पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, अगर नहीं उठी तो चलो मैं उसको दूध रोटी ही खिला देती हूँ। और दोपहर में मैं बनाई थी आज आलू पोस्तो, इसकी रेसिपी आलू पोस्तो की रेसिपी मैं कभी शेयर नहीं की हूँ, शायद मुझे याद नहीं है पिछले ब्लॉग में, मतलब पहले के ब्लॉग में की हूँ कि नहीं की हूँ, बट मैं स्कूल जाती थी तो मेरी फ्रेंडों को बहुत पसंद आता था। तो चलिए दिखाती हूँ कि क्या होता है आलू पोस्तो। खसखस की सब्जी मतलब आलू में बनता है, बहुत सिंपल सी रेसिपी, मैं कभी आपसे एक बार और शेयर कर दूँगी अगर नहीं की हूँ। तो ये है आलू पोस्तो, हम पूरे बंगालियों का फेवरेट डिश है ये बहुत टाइप से बनता है, गोभी आलू भी बनता है, सिर्फ आलू भी बनता है। और इसके पहले मैं कुंदरू का बनाई थी, शायद वो मैं आपसे शेयर की थी, तो कुंदरू के साथ भी बनता है, और ड्रम स्टिक यानी जो मुनगा होता है उसका भी बनता है, मतलब बहुत सारे टाइप से बनता है। तो मुझे तो आलू पोस्तो ही सबसे अच्छा लगता है, तो ज़्यादातर मैं यही बनाती हूँ। और हमारे घर में मेरी मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा बनता है ये। और आज मार्केट गई थी और मैं थोड़ा बहुत सामान को रोटी दे देती हूँ, मतलब उनके खाने का टाइम हो गया। नानी तो सो रही है अभी, मतलब सब दवाई ववाई खाते हैं ना तो उनको थोड़ा सा नींद आ गया, टीवी देखते देखते वो भी सो गई, माही भी सो गए। तो पहले मैं उन लोग को दे देती हूँ, डिनर हम लोग कर लेते हैं। आज आंटी दोपहर में नहीं आई थी इसलिए सारा बर्तन ऐसे पड़ा है, मैंने सब रख दिया टब में डाल के,
तो वैसे भी दोपहर में बहुत कम ही आती है, मतलब शाम के टाइम एक टाइम ही आती है, एक टाइम नहीं आ पाती क्योंकि वो बहुत दूर से आती हैं। तो चलो कोई नहीं, मेरे मुझे मजबूरी था, मतलब मेरे तकलीफ़ में वो मुझे मिल गई है, वो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो चलिए डिनर बना कर लेते हैं, फिर आपसे बात करती हूँ। तो माँ ही पहले ही सो गई थी और हनी माँ और हनी लोग और मम्मी लोग वो लोग नहीं आ पाए थे, मैंने आपसे पहले ही बताया। तो माँ ही सो गई थी तो पनीर माँ ही नहीं खाएगी, और मैं उसको बड़े प्यार से उठाई मैं, क्योंकि बच्चे फिर ज़िद करने लगते हैं ना अगर आप ऐसे प्यार से नहीं उठाओगे। और मैं उसको पूरे टाइम बात कर करके खिला रही थी, उसको खेल खेल के थोड़ा सा खिला रही थी कि मतलब मार्केट गए थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो कंटिन्यू मतलब कि मैं जितना भी क्वेश्चन कर रही थी ना वो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दे रही थी। तो ऐसे बात करते करते खिला रही थी, और बच्चों की बड़ी अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत बोलो मुझे नहीं पता, बट मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चे मैं भी जब छोटी थी तो ऐसा ही करती थी, तो मेरे बच्चे भी वैसे ही करते हैं, कुछ भी खाते हैं या कुछ तो मेरे कपड़े से ज़रूर पोंछते हैं। तो उससे बड़ा एक अलग सा एक फीलिंग आता है ना, कि मतलब मम्मियों वाला एक अच्छा वाला फीलिंग आता है। सो माही को भी यहाँ पे बात कर करके दूध रोटी ही खिला रही थी, और वो नींद में ही थी तो थोड़ा सा खा के वो सो गई थी आराम से, क्योंकि पेट फिर खाली रहने से फिर नींद नहीं आएगी, फिर रात भर वो चिट्टी चिट्टी करेगी और मेरे बेड को थोड़ा सा इग्नोर करेगी, क्योंकि मैंने जो कपड़े वॉश किए थे इसलिए मैं ऐसा कवर नहीं लगा पाई हूँ। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो मैं यही एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो है मैं वो यही एंड करती हूँ, मिलते हैं एक और दिन की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।